हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो इससे पहले वाले वीडियो में हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड स्टोर, ग्रेवियस डिजीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इट्स मीन। हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज्ड, थायराइड मींस होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइडिज्म मींस होता है फंक्शन ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। बट यहाँ पे एक और चीज लग गई है, दैट इज पैरा। तो पैरा क्या है? इट इज ऑल्सो अ सब ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड एक और ग्लैंड्स होती हैं। ये छोटी छोटी आप ग्लैंड देख रहे हो, इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती हैं। समझ गए? ये पूरी आपकी थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि आपके नेक पे होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे फोर ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो कि आपके कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखता है। अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन डिक्रीज कर दें, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन हाइपर कर दें, मींस इंक्रीज कर दें, तो कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और अननेसेसरी कैल्शियम लेवल हमें इंक्रीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें अननेसेसरी या इम्प्रॉपर, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाइपर फंक्शन हो रहा है पैराथायराइड ग्लैंड का, और वो कैल्शियम लेवल को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रही है, जितना हमें नहीं चाहिए। कैसे कर रही है? नॉर्मली क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैराथायराइड आपको ग्लैंड्स दिख रही होंगी, ये अपना पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करती है। ये पीटीएच कब स्टार्ट होता है? जब हमें पता चलता है कि कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। तो जब कैल्शियम लेवल कम हो रहा होता है, तो आपकी पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच और पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन स्टार्ट कर देती है सिक्रीट करना। ये पीटीएच हार्मोन तीन जगह फंक्शन करता है जाकर के। एक है आपकी इंटेस्टाइन, दूसरा है आपकी किडनी, एंड थर्ड है आपकी बोन। क्या फंक्शन करता है इंटेस्टाइन में? ये इंटेस्टाइन को मैसेज करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा हमारी यूजफुल चीजों को फूड से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो डाइजेस्टिव फूड हो रहा होता है, वहां से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है, और ब्लड उसे यूटिलाइज कर लेता है। ठीक, तो उसी तरह से ये कैल्शियम जितना भी एब्जॉर्ब करती थी, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगी। सेकेंड आपका आता है किडनी। तो पीटीएच हार्मोन क्या कहता है किडनी से, कि फिल्ट्रेशन के टाइम पे तुम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देना, यूरिन में मत निकालना। ठीक है, तो किडनी आपके क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में भेज देती है। साथ ही साथ आपकी बोन से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है। कैसे? ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि आपके बोन ईटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, बोन को ईट कर लेते हैं, पुरानी बोन्स को ईट कर लेते हैं, और उसके बाद नई बोन्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, जो पुरानी बोन्स को ईट कर रहे हैं, इसमें का जितना भी ये कैल्शियम लेते हैं, ये सीधे ब्लड में जाकर के भेज देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरह से आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है। जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है, तो विटामिन डी जो है, तो जो ये विटामिन डी है वो रिलीज होता है। विटामिन डी क्या करता है? पहली चीज तो विटामिन डी इस पे भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इधर भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इधर भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्लस जब आपका कैल्शियम लेवल सफिशियंट हो जाता है, तो विटामिन डी क्या करता है, एक नेगेटिव मैसेज जो है वो ट्रांसफर कराता है। नेगेटिव मैसेज का मतलब क्या हुआ? कि अब हमें कैल्शियम नहीं चाहिए, कैल्शियम सफिशियंट हो गया। ये नेगेटिव मैसेज आपके पैराथायराइड ग्लैंड में जाता है, और आपकी पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच को रिलीज करना कम कर देती है। इस तरह से नॉर्मली काम चलता है। तो आप समझ गए
पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोल रहा है ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करो, किडनी को बोल रहा है ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करो, ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को पुरानी बोन को एंड करके इंगल्फ करके खा के नई बोन बनवाते हैं, ठीक है, मतलब नई बोन बनती है उसके बाद, तो जब ये खा रहे होते हैं तो इसमें का कैल्शियम क्या होता है कि वो ब्लड में चला जाता है, ये कैल्शियम ब्लड में भेज देते हैं। इस तरह से नॉर्मली फंक्शन चल रहा होता है। साथ ही साथ ब्लड में कंप्लीट कैल्शियम आने के बाद विटामिन बी डी क्या करता है कि एक नेगेटिव मैसेज भेजता है पैराथायरॉयड हार्मोन को या ग्लैंड को, और पैराथायरॉयड हार्मोन उससे डिक्रीज हो जाता है या सिक्रीशन उसका कम हो जाता है। इस तरह से काम चलता है। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन पे, वो था नॉर्मल फंक्शन। अब ये जो हमारी डिजीज है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है। पहली चीज तो पैराथायरॉयड जो हमारा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, उसका मीनिंग होता है नियर। किसके नियर? पैराथायरॉयड ग्लैंड किसके नियर है? आपके थायराइड ग्लैंड के नियर है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? एक शील्ड लाइक या बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका थायराइड हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। पैराथायरॉयड जो होता है, ये जो ग्लैंड होती है ये खुद का अपना हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हमने पैराथायरॉयड हार्मोन बोल दिया, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करके रखती है। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो कैल्शियम कम हो जाएगा, हार्मोन ज्यादा हो गया तो कैल्शियम बढ़ जाएगा। हाइपर मींस होता है इंक्रीज, पैराथायरॉयड मींस होता है पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट बढ़ गया है जिसकी वजह से क्या हुआ, आखिर में क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्शीमिया हो जाएगा। हाइपर मींस बहुत अधिक, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड, कैल्शीमिया मींस कैल्शियम, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैल्शियम हो जाएगा। ऑब्वियसली जब काम ज्यादा करेगा किडनी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करने लगेगी, रुकेगी नहीं, आपके इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, जो बोन ईटिंग सेल्स है वो भी कंटिन्यूअस भेजते रहेंगे कैल्शियम को, तो ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा जिसे हम हाइपर कैल्शीमिया कहते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से हो रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो कि अपना हार्मोन ब्लड के अंदर भेजती है, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो हार्मोन की वजह से ही हो रही है। और हार्मोन कहाँ जाता है? आपके ब्लड में जाता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो ये डिसऑर्डर भी एंडोक्राइन ग्लैंड का हो गया। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है आपका कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स हैं वो रुक नहीं रही हैं, वो नेगेटिव फीडबैक या तो रिसीव नहीं कर रही हैं या तो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। इसी के साथ साथ दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या बोल रही है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज एन इंक्रीज द पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल इन द ब्लड ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ वन और फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो सीवियरिटी ये डेफिनेशन बताती है कि ये सीवियर भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जब आपकी चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड हद से ज्यादा एक्सेसिव वो टीएच रिलीज करने लगेंगी तो ये कंडीशन सीवियर भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज क्लासिफाइड इनटू थ्री, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मींस पहला, इसमें क्या होता है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से डायरेक्ट आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से क्या हो गया, यानी कि प्राइमरी प्रॉब्लम मींस डायरेक्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसने एक्सेसिव ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया अपने हार्मोन का, और प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया। तो आप समझ लो कि प्राइमरी मींस होता है कि जब डायरेक्ट जिस ऑर्गन की बात चल रही है डायरेक्ट उस ऑर्गन पे कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी किसे बोलते हैं? कि जब डायरेक्ट उस ऑर्गन पे इफेक्ट ना आकर के उससे रिलेटेड किसी चीज पे इफेक्ट आए और उसका जो रिजल्ट था वो ये रिजल्ट था कि इस ऑर्गन को इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये अपने फंक्शन को डिस्टर्ब कर बैठा। समझ गए? प्राइमरी मींस पहला होता है, तो पहला एक्शन ही या पहला इफेक्ट ही डायरेक्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड पे हुआ है। सेकेंडरी किसी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट ना होकर के इनडायरेक्टली पैराथायरॉयड ग्लैंड पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है। टर्शरी ये एक सीवियर कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है जिसमें
हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी को जब हम कवर अप नहीं कर पाते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो वो टर्शरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, वो प्रॉब्लम जो कि डायरेक्ट हमारे पैराथायरॉइडिज्म करा रही है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म करा रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द पैराथायरॉइड ग्लैंड। एग्जाम्पल ले सकते हो कैंसर, पैराथायरॉइड ग्लैंड में कैंसर हो गया। सेकेंडरी हो सकता है कि किडनी डिजीज हो गई या बोन डिजीज हो गई या इंटेस्टाइन में कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पाया और कंटिन्यूअस हार्मोन रिलीज होता रहा। टर्शरी, जब सेकेंडरी को हम कवर अप नहीं कर पाया और सेकेंडरी अपने सीवियर स्टेज में चला गया तो वो टर्शरी में चेंज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो कॉजेस भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखे हुए हैं, सबके अपने अपने कॉजेस हैं। प्राइमरी जो कि डायरेक्ट पैराथायराइड हार्मोन सॉरी ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्राइमरी में देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका पैराथायराइड एडिनोमास। तो पैराथायराइड एडिनोमास एक तरह का बिनाइन कैंसर होता है। बिनाइन मींस होता है कि वो कैंसर जो स्प्रेड ना हो, एक जगह पे स्थिर रहे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे स्प्रेड हो गया, मान लीजिए इसने दो को कवर अप कर लिया, तो इन दोनों का जो फंक्शन था वो डिक्रीज हो गया। लाइक जो नेगेटिव फीडबैक इनको रिसीव करना था वो ये रिसीव ना कर पाई और कंटिन्यूस क्या हुआ, इन्होंने पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती रही। ठीक है, सेकेंड आपका एनलार्ज पैराथायराइड ग्लैंड। हो सकता है कि इनके अंदर डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया हो, हो सकता है थायराइड ग्लैंड में ही इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आपके पैराथायराइड ग्लैंड भी अफेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने नेगेटिव फीडबैक को रिसीव ही नहीं किया और कंडीशन डिजीज में चेंज हो गई। नेक्स्ट है आपका कैंसर। तो कैंसर आपका कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, कैंसर की वजह से सेम वो एक्टिविटी उनकी इंटॉलरेंस हो जाएगी, वो नेगेटिव फीडबैक नहीं रिसीव कर पाएंगे और वो कंटिन्यूस हार्मोन निकालते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी। तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हुई हो, प्राइमरी में हमेशा ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, सेकेंडरी में ग्लैंड से रिलेटेड जो उसके हेल्पिंग ऑर्गेन्स है उसमें प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक किडनी डिजीज, तो क्रोनिक किडनी डिजीज में अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो ऑब्वियसली क्या नेगेटिव फीडबैक नहीं भेज पाएगी, मतलब अब सेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे रिसीविंग में प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे सेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ये नेगेटिव फीडबैक ही नहीं भेजेगी, इनसफिशियंट फीडबैक भेजेगी, तो कम फीडबैक जाएगा तो कम एक्शन होगा उस पर। इसी तरह से विटामिन डी डिफिशियंसी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेगेटिव फीडबैक की जो तैयारी होती है और उसको भेजने का जो प्रोसेस होता है वो विटामिन डी के थ्रू किया जाता है। तो जब विटामिन डी एज अ मैसेंजर काम करेगा ही नहीं तो नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का किसी का ट्रीटमेंट पहले चल रहा था, तो हो सकता है कि मेडिकेशन के डोज की वजह से, हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से आपकी थायराइड पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो तेज फंक्शन करने लगे। ऑब्वियसली स्लो कर रही थी तो उसका ट्रीटमेंट चला तो अब वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो टर्शरी में क्या हो रहा है कि जब आपका सेकेंडरी वाला आप हैंडल नहीं कर पाओगे और ये सारी कंडीशन सीवियर होती रहेंगी तो वो टर्शरी में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांटेशन, मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट की गई, हो सकता है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो विटामिन डी को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, हो सकता है कि वो नेगेटिव फीडबैक ही नहीं बना पा रही है, राइट। इसके अलावा क्रोनिक सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, सेम प्रॉब्लम, जो क्रोनिक में प्रॉब्लम्स थी वो अब बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, और ऑटोनोमस हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच। ऑटोनोमस मींस अपने आप ही पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन कंटिन्यूस सिक्रीट होता जा रहा है। सो इस पे रिसर्च चल रही है कि टर्शरी में क्यों है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी को मैंने दो पार्ट में दो पैथोफिजियोलॉजी नोट कर रखी हुई है, चाहे आप ये वाली यूज कर लो चाहे आप ये वाली यूज कर लो, ये वाली कॉमन पैथोफिजियोलॉजी आप इजीली यूज कर सकते हो। सो हमारी पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुई है,
ये पैथोफिजियोलॉजी आप सेकेंडरी में और टर्शरी में यूज कर सकते हो और ये प्राइमरी में। तो मान लीजिए इटियोलॉजी की वजह से, प्राइमरी वाले इटियोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि आपकी जो ग्लैंड थी, पैराथायराइड ग्लैंड थी, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। जब वो डिस्टर्ब हो गई तो उसका जो रिसीव करने का प्रोसेस था वो डिक्रीज हो गया। क्या रिसीव करने का प्रोसेस? नेगेटिव फीडबैक, यानी नेगेटिव मैसेज रिसीव करने का जो प्रोसेस था वो डिक्रीज हो गया और वो कंटिन्यूअस पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करती रही और आपको साइनस सिम्टम्स आने लगे। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी के लिए आप ये वाली पैथोफिजियोलॉजी यूज कर सकते हो। तो इटियोलॉजी की वजह से, कौन सी इटियोलॉजी? सेकेंडरी और टर्शरी इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि डिस्टर्ब हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैकेनिज्म बताया था वो नॉर्मल था और वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। या तो वो अपना फंक्शन डिले कर देगा फीडबैक का, या तो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चाहे वो डिले करे, चाहे वो कंप्लीटली नेगेटिव फीडबैक डिस्टर्ब हो जाए, तो कंडीशन क्या आएगी? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आएगी। तो व्हाट इज दिस हाइपर कैल्सीमिया? इंक्रीज इन अ कैल्शियम लेवल इन टू द ब्लड, ब्लड के अंदर एक्सेसिव कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर पैराथायरायडिज्म टिल पैथोफिजियोलॉजी। इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट डे आपको दे दूंगी। सो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।